पुलिस जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए हैं पुलवामा हमले में, तो हमारी पूरी पंचायत की तरफ से हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद आज जो हमारा यहाँ सब इकट्ठा होने का मेन मोटिव ये रहा है कि हम जो सक्तेचक गांव और मईचक जो रोड नीचे पड़ता है, तो जो यहाँ के जो निवासी हैं ये प्रदूषण से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं। तकरीबन 15-20 सालों से जब से ये फैक्ट्रीज यहाँ पर लगी हुई हैं, हमारा जीना बिल्कुल दुश्वार हो चुका है। यहाँ पर हमारी मांग, जैसे कि सरदार जसविंदर सिंह ने आपको बताया, हमारी जो मेन मांग वो ये है कि ये जो फैक्ट्रीज हैं इनका जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है, इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए कि जो गंदा पानी ना दरिया में निकाला हुआ है उसकी भी जांच की जाए, जो स्मोक निकलता है इनका बाहर और जो स्याही पड़ती है सभी के घरों में, मुझे नहीं लगता यहाँ नीचे वाली साइड जितने लोग रहते हैं किसी के घरों में स्याही नहीं पड़ती है, उस स्याही की जांच की जाएगी, उसमें कितने माइन्यूट पार्टिकल्स हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ख़राब हैं। तो हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, उनको क्या हम ये स्याही देकर जाएंगे? और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में क्या कर रही है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जो नई फैक्ट्रीज लग रही हैं, जो नई प्लांट्स लग रहे हैं, अगर आपको फैक्ट्रीज लगानी है तो सिडको ने ज़मीन ले रखी है लोगों से, ऊपर हज़ारों एकड़ ज़मीन किसानों से ज़मीन ले रखी है। ये फैक्ट्रीज जो हैं या जो नए जो फैक्ट्रीज लगने वाली हैं, आप इनको जो सिडको की ज़मीन है वहाँ पे लगा दीजिए। जो एग्रीकल्चर लैंड है, किसानों से ज़बरदस्ती लैंड क्यों ली जा रही है? और किसान बेचारा मजबूर है, गरीब आदमी है, वो तो फैक्ट्री वालों को ज़मीन बेच ही देगा। तो बेटर चांस गवर्नमेंट के लिए ये बनता है कि ये जो फैक्ट्रीज हैं या जो नए प्रोजेक्ट्स लगने चाहिए ये सिडको में लगने चाहिए और एग्रीकल्चर लैंड पर इसका कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। और ये जो जो प्रदूषण का जो समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है और इसका जो हल है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो हम सबकी यही मांग करने अजय का मुद्दा प्रधान का यही है, पहले तो साड़ी मायचक पंचायत की तरफों सारे सरपंच ते पंच की तरफों साड़ी जी मायचक की पब्लिक तो बड़ा बड़ा शुक्रिया है जो सानू इन्ना वधिया वोटों ने जताया। उस तो बाद जो असं इन्हों नाल वादे किए जो पब्लिक ने वादे किए असं उन्होंने माणना चाहते हैं। तो सब तो पहला वादा है कि साढ़े इतने पोल्यूशन का बड़ी प्रॉब्लम है, जो इतने पट्ठे ने इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, जिन्ह ने बुरी हालत की है साड़ी पंचायत की। असी उन्होंने एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, पहले जिन्हों को अपने जोड़े इलीगल चल रहे हैं उन्होंने पट्ठे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने NOCs लै लो, पोल्यूशन की लै लो, लाइसेंस रिन्यू करवा लो, पोल्यूशन कंट्रोल कर लो, तो तुम अपना काम चलाओ। अगर तुम नहीं लैना तो एक पहले रिक्वेस्ट है, फिर चेतावनी है, असं ना पट्ठे चला देंगे ना इंडस्ट्री चला देंगे। और जो टीके पेपर मिलता, जो वेस्ट पानी गंदा पानी जो ने उस दरिया छटे उस जो भी थले प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, थले थले गुजर बस्ती है, उन्होंने कई डंगर कई मंझा मरियाँ तो ये पानी के गंदे पानी के कारण। तो असं ये उन्होंने भी रिक्वेस्ट करते हैं अपना पानी फिल्टर करो, अपनी इंडस्ट्री अंदर रखो, जो मटीरियल है उन्होंने अंदर ही रिसाइकल करके जो भी करना अपने अंदर फैक्ट्री करो, अपना काम चलाओ, कारोबार चलाओ, सानू कोई टेंशन नहीं। और रोड का मसला तुसें गलाया? हाँ, रोड का मसला है, रोड का मसला है कि रोड बन रही है, जब तक रोड नहीं बन रही है तो असं तक चुप हैं। जब तक रोड साड़ी बन गई उस तो बाद रोड से गंदगी नहीं चाहिए, एक चीज डस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। जब तक रोड नहीं बनती है असं कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि जिन्हें भी साढ़े थले बंदे माचक पिंड कई पिंड पैदा सोमा पिंड पैदा इतों कोई पैदल नहीं जा सकता, उन्होंने बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके कारण सानू नुकसान भी है। इतने कई चार बंद कैंसर होया, ब्लड कैंसर, इन्होंने पोल्यूशन के कारण। अगर आने वाले टाइम सुधरते नहीं हैं तो कार्रवाई करके आने टाइम आने टाइम कह रहे अभी कार्रवाई करा, अभी पट्ठे बंद करा, अभी फैक्ट्रियां बंद करा, वो साढ़े को पंचायत को इन्नी पावर है। अगर नहीं असं डीसी को भी जाएंगे, डीसी को गवर्नर साहब को भी जाएंगे, क्योंकि साड़ी पब्लिक हरासमेंट सारे हरासमेंट कर रहे हैं, साढ़े आगे साढ़े पंजाब मिल के चलते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं, तो असं इन्हों का बिल्कुल साथ देंगे। अगर साढ़े एंटी चलन गए तो असं भी इन्हें एंटी चलेंगे।